हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप? तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। और ये हमारे घर के आसपास का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, आप देख के ही पहचान चुके होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस दिन का वेट मैं कई सालों से कर रही थी, बहुत सालों से मैंने मान्यता मांग के रखी हुई थी। तो फाइनली आज वो चीज़ पूरी हो पाई है और हम जा रहे हैं प्राशलेक। ये मंडी के रास्ते का व्यू है और हम जा रहे हैं मेरी मायके की फैमिली के साथ। मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई और भाभी साथ में ही हैं, तो बहुत सारी मस्ती आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी हम सब की। तो हम लोग जा रहे हैं आज प्राशल, फाइनली मतलब हमारा ट्रिप बन ही गया। और ये सारे के सारे जा रहे हैं, मेरे मायके वाले, भाभी भाई, दोनों भाई पतिदेव पीछे हैं, उल्टियों वाले आगे और विदाउट उल्टी पीछे। और सारे चित पड़े हुए हैं पीछे, एक के बाद एक से बाहर मुंडी निकाल के। और इसको भी कुंवर ही आती है, ये बंदा आजकल जिम मार रहा है तो इसने उल्टियां करना छोड़ दी है। मैं तो जिम करते हैं, हो गया आगे हूं बढ़िया तरीके से। जिम वाले कभी नहीं, जो जिम वाले उनको कभी वॉमिटिंग नहीं आती है। मैं तो पीछे हल्का हो के आ गया, फुल पावर बढ़िया तरीके से। और अब ज्यादा देर बोल नहीं सकता क्योंकि निकलने वाला है। निकलने वाला है। तो मम्मी और साथ में आगे भी हैं, कौन है? मिट्टू राजा। मिट्टू राजा को भी उल्टियां हो रही हैं, इसलिए शांति से बैठे हैं, बस सब करते हैं बाद में बात, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है कुछ भी। ये सारे लोग हल्के होने के लिए यहाँ उल्टियाँ जिनको लगी हुई थी वो सब एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा हमने स्टे किया था, तो कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जिनको वॉमिटिंग आ रही थी, साथ में मुझे भी आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद में रुक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर करनी पड़ी गाड़ी की, तो आपको दिखाते हैं पहुंचने के बाद, बीच बीच में व्यू लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। उसके बाद रास्ते में ये नेर चौक है, मतलब मैं सरका घाट से मंडी की तरफ को जा रही हूँ, तो रास्ते में जो जो दिखाई दे रहा है उसको कैप्चर कर रही हूँ, ताकि जब आप कभी भी आए इस साइड से तो ये चीज़ें मैं आपको देखने को मिलेंगी। और ये लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी CM की लड़की भी यहीं पर पढ़ रही है। और इसके बाद फिर आगे आ जाते हैं, ये देख पा रहे हो आप मंडी की ये मार्केट है, और पूरी मार्केट में आती बार आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। आप में से बहुतों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि मंडी में जो गुरुद्वारा है उसके एक बार दर्शन आप कराइए, तो इसीलिए मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वो चीज़ कैप्चर करने के लिए उस साइड को हम जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम यहीं से टर्न करके सीधा प्राशर रोड पर जाने वाले थे, तो थोड़ी सी देर फिर वहाँ पर हम रुकेंगे और आपको गुरुद्वारा दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम सीधे वहीं जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। तो ये बीच में आप देख सकते हो, ये मंडी की ही मार्केट है, साथ में ये बस स्टैंड साथ ही है, और इधर ही पीछे को ये पडल मैदान है जहाँ पे शिवरात्रि का मेला भी लगता है। और जो बल्लभ भाई डिग्री कॉलेज है वो भी यहीं पर है, वो भी आपको दिखाते हैं, अभी बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा वो कॉलेज, यहाँ से एंटर करते हैं अंदर को, और इसके बाद फिर अब हम सीधे चलेंगे आगे की तरफ, गुरुद्वारे की तरफ हम जा रहे हैं। और बीच में मैं आपको ये चीज़ें भी दिखाती चलूँगी कि कौन सी कितने किलोमीटर पे हम आ रहे हैं और कितना है, तो ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये रहा गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में हम पहुंच गए हैं। अच्छे से आपको पूरा एंट्री से लेके एग्जिट तक सारा का सारा मैं आप आगे से अंदर से हर एक चीज़ दिखाऊंगी। तो ये पहले तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है और फिर जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ।
ये तो थे गुरुद्वारे के दर्शन, और बाकी आपको जो फ्रंट साइड से भी आपको दिखाते हैं। और ये साथ में नदी बह रही है, ब्यास नदी है, तो बहुत ही शांत जैसी ये जगह है। नज़ारा भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और गुरुद्वारे में दर्शन के बाद फिर अब हम वापस आ गए हैं और चल पड़े हैं प्राशर लेक की तरफ। तो अब ये दूसरा वाला जो रोड है वो हमें पकड़ना है, और मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कितने किलोमीटर अब हमें यहाँ से आगे जाना है और कौन सा ये रूट पकड़ना है। तो ये आपको मंडी की मार्केट, साथ में गुरुद्वारा जिस वाले रोड पे था वो आपको दिखा दिया, बीच में ये नदी ब्यास नदी और मार्केट, फिर आती बार आपको दिखाते हैं। और ये विक्टोरिया पुल है, काफ़ी पुराना है ये, और नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है और पहाड़ों पे धुंध आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखिए अब हमने इस साइड को टर्न कर लिया है, अगर आपने बोर्ड पे देखा होगा तो 49 किलोमीटर यहाँ से प्राशर दूरी पे है। तो मंडी के आगे मतलब आपको 49 किलोमीटर जाना होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन नज़ारे आपको हर बार ही ऐसे नहीं मिलेंगे। आज हमारे ही साथ है मौसम भी, इस वजह से इस तरह के नज़ारे हम कैप्चर कर पाएंगे। और ये हम मंडी क्रॉस कर चुके हैं, और एक बात है भाई, एक नंबर और अभी भी हमें कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और डाउन होता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। और मेरी मृदु को लगी है वॉमिटिंग, इस वजह से आज वो शांति से बैठा है क्योंकि मोड बहुत खतरनाक है। और इससे पहले हम गुरुद्वारा के दर्शन करके आए हैं। ओ बिक्कू बोल, क्या बात है भाई, नंबर दो इसको, कितने नंबर है? 2 नंबर, और हम जा रहे हैं सीधा प्राशर। ओ नंबर 1 का बिट्टू बोल, और हम जा रहे हैं रिवाइवल से नहीं बल्कि प्राशर। वीडियो बन रहा है, जन्नत का एहसास, क्या बात है भाई, नंबर देंगे, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। और अब हम जा रहे हैं जन्नत के दर्शन करने, और ये आगे से आगे बस HRTC की, और जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये काफी हाइट में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है जिनको भी, और बिट्टू का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रह गया है घर पे। तो सिलेंडर लाना पड़ेगा, वहाँ के कोई देखते हैं शो मिलती है, बिट्टू को सिलेंडर देना पड़ेगा ऑक्सीजन का। अब देखते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें झूठी लग रही हो ना, तो आप खुद ही देखिए आगे, धुंध जो पड़ी हुई है पहाड़ों पे वो हट रही है, और ये नेचुरल धुंध है, आप समझ सकते हो, दिल्ली की फॉग नहीं है कि गाड़ियों के पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रखी है, नेचुरल है। और इसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, बहुत ही प्यारी लगती है, और ठंडी ठंडी हवाएँ जब चलती हैं इस तरह से धुंध हटते हुए, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का एहसास होता होगा। और नज़ारे देखिए अभी, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, माइनस में भी अभी आप नज़ारे नहीं देख रहे हो, जो असली नज़ारे हैं वो तो फिर आपको ऊपर ऊपर हाइट में जितने जाते आगे जाते जाओगे ना, उतना ही बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आने वाले हैं। तो नज़ारे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप खुद देखिए कि अभी तो मतलब शुरुआत है, और शुरुआत में ही इतने ज़्यादा प्यारे नज़ारे, और ये आपको हर बार इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि देखिए अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, और हमेशा इस तरह का मौसम बना नहीं रहता है, धूप में अलग होता है, और जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ पड़ी रहती है, तब भी आपको ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, तब बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ होगी। और पूरा ब्लॉग मैं आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम आज ही यहाँ पे आए थे, और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस बात के लिए सॉरी, लेकिन कल 11 बजे तक आपको ब्लॉग मिल जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरी सिचुएशन। तो जितना मतलब कि मैं एडिट कर पाई उतना ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और नीचे ये जो देख रहे हो आप, ये IIT मंडी का कैंपस है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होगी, मतलब सुबह उठते उठते ही इस तरह के खूबसूरत नज़ारे डेली। तो
बहुत ही अच्छी लाइफ है, मतलब इनकी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, पढ़ाई भी उतनी ही करते हैं ना, क्योंकि सिलेक्शन में भी तो उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इन्हें। और बस ये शुरुआत है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से नज़ारा था, तो मैंने आपके लिए बहुत ही मुश्किल से ये कैप्चर किया है। इवन तक सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ यहाँ पर हुआ है।